दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज वाउचर मोड को लेके। तो दोस्तों अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो या आप किसी कंपनी में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स मेंटेन करते हो प्रैक्टिकल तरीके से, तो जब भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री करते हैं तो आपने वाउचर एंट्री करते दौरान आपने राइट हैंड साइड में आपने ये जरूर देखा होगा चेंज मोड ऑप्शन को। तो दोस्तों जब भी हम चेंज मोड के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, ये आपको पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या फिर कॉन्ट्रा वाउचर, ये तीन ऐसे वाउचर हैं जिसमें आपको सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का ऑप्शन दिखाई देता है। या जब हम सेल वाउचर की एंट्री या फिर परचेज वाउचर की जब हम कोई एंट्री करते हैं और उस दौरान हम चेंज मोड पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये तीन ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं मोड को लेके, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज ए वाउचर, या फिर अगर हम बात करें दूसरे वाउचर की यानी कि क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट, हम डेबिट नोट को सिलेक्ट करते हैं और उस दौरान अगर हम चेंज मोड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये चार ऑप्शन आ जाते हैं लिस्ट ऑफ मोड यूजेस को लेके, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे कि आखिरकार इन सभी ऑप्शन का यूज हम प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, कि अगर हम आइटम इनवॉइस मोड को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी एंट्री किस प्रकार से होती है और किस टाइप वाउचर की एंट्री होती है, अकाउंटिंग इनवॉइस अगर सेलेक्ट रहता है तो इस टाइप के वाउचर मोड में हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन हम पास कर सकते हैं, इसी तरीके से एज वाउचर और या फिर यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारा प्रैक्टिकल सेशन पे रहने वाला है, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और फिर कॉन्ट्रा वाउचर। वाउचर पे हम जाएंगे और सबसे पहले हम F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने वाइड फेल्ट ये आता है, जो ऑप्शन आपको ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डबल मोड ट्रांजेक्शन। डबल मोड का ट्रांजेक्शन का मतलब जैसा कि हमने कैश हमारा बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया और SB बैंक को हम डेबिट कर देते हैं, तो दोस्तों इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है वो जो एज पर हमने अकाउंट्स की यानी कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बुक्स में जो पढ़ा होता है भी SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि जो डबल मोड ट्रांजेक्शन होती है। अगर इसी मोड को हम सिंगल मोड में कन्वर्ट करें ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सिर्फ जो एंट्री करने का जो तरीका है सॉफ्टवेयर में वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि रूटीन में मान लीजिए हमने बैंक में 100 रुपये जमा करवाए हैं तो हम डबल मोड की ट्रांजेक्शन के एंट्री को इस प्रकार से पास करते हैं, कैश को हम क्रेडिट करते हैं और बैंक को हम करते हैं डेबिट। अगर ये है हमारी डबल मोड ट्रांजेक्शन, अगर इसका हम मोड चेंज करते हैं, चेंज मोड पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री के दौरान होगा क्या कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर ऊपर आपको शो करेगा बैंक अकाउंट और आपका जो कैश अकाउंट है वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इस दौरान होता क्या है, जो फ्रेशर अकाउंटेंट होते हैं या जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर आके थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं भी इस एंट्री के दौरान कौन सा लेज़र डेबिट हो रहा है और कौन सा लेज़र क्रेडिट हो रहा है। अगर हम वापस इस मोड को हम एक बार चेंज करते हैं, डबल मोड पे आते हैं, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें पता लग रहा है भी जो कैश की अमाउंट जो हमारी फिगर्स है वो क्रेडिट साइड में हो रही है और जो बैंक की फिगर है वो डेबिट साइड में जा रही है। तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि कैश का लेज़र यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 100 रुपीज़ से और बैंक का लेज़र 100 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल ट्रांजेक्शन की यानी कि सिंगल एंट्री की, तो अब इस दौरान यहाँ पर कोई डेबिट या क्रेडिट की अमाउंट आपके सामने शो नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा, केवल अमाउंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर आके थोड़ी सी सस्पेंस पैदा हो जाता है भी अब कैश का लेज़र यहाँ पे क्रेडिट होगा या फिर डेबिट हो रहा है। तो इसकी एंट्री करने के लिए अब आपको
स्टार्टिंग, अब मान लीजिए आपने बैंक में कैश है जो डिपॉजिट कराया है, तो उस दौरान आपको बैंक को ऊपर रखना पड़ेगा यानी कि अकाउंट्स में, और कैश को यानी कि जो लेजर आपको डेबिट करना है वो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो लेजर क्रेडिट करना है वो आपको यहाँ पे नीचे रखना पड़ेगा। अब ये आपको पता होना चाहिए भी आपको डेबिट कौन से लेजर को करना है, क्रेडिट कौन से लेजर को करना है। अब मान लीजिए आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो उस दौरान क्या होता है, कैश हमारा डेबिट होता है और बैंक हमारा क्रेडिट होता है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, SBI बैंक की जगह हम करेंगे कैश को और यहाँ पर हम करेंगे बैंक को। तो अब इस दौरान हमें पता लगेगा भी अब बैंक का जो लेजर है वो क्रेडिट होएगा और कैश का लेजर है जो डेबिट होगा। तो अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का हमें प्रॉपर सही तरीके से पता नहीं लगता। इसी तरीके से हम बात करें पेमेंट वाउचर की। अब मान लीजिए पेमेंट वाउचर के दौरान हम सबसे पहले डबल मोड को ओपन कर लेते हैं। अब डबल मोड के दौरान मान लीजिए हमने किसी पार्टी को पेमेंट करी, जैसा कि हमारे पास एक सप्लायर है BS ट्रेडिंग कंपनी। अब BS ट्रेडिंग कंपनी को हमने 100 रुपीज़ है जो कैश पेमेंट करी है या बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमें ट्रांजेक्शन से ही पता लग रहा है भी डेबिट हमने किया है BS ट्रेडिंग कंपनी को और क्रेडिट किया है कैश अकाउंट को, यानी कि दो लेजर, एक डेबिट का लेजर हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। तो अगर इसी ट्रांजेक्शन को हम सिंगल एंट्री में करें, कन्वर्ट करें, तो आपको एंट्री इस टाइप से दिखाई देगी। अब इसका मतलब क्या होगा भी जो लेजर आपने क्रेडिट करना है, जी आप कैश के थ्रू भुगतान कर रहे हो तो कैश को लेजर को आपको ऊपर रखना पड़ेगा, अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपको बैंक का ऊपर रखना पड़ेगा अकाउंट ऑफ में। तो अब यहाँ पर देख रहे हो, अब यहाँ पर आपको केवल दो ही लेजर आपको दिखाई देंगे, या तो बैंक का लेजर होगा या फिर कैश का लेजर होगा। तो ये इफेक्ट आता है। अगर हम बात करें रिसिप्ट की, तो सेम ट्रांजेक्शन हमारे पास ये रिसिप्ट में भी होती है। सबसे पहले इसका हम एक बार मोड चेंज कर लेते हैं, डबल मोड ओपन करेंगे। अब मान लीजिए हमारे कोई सप्लायर, मान लीजिए हमने सप्लायर से पेमेंट लिए, तो यहाँ से भी हमें पता लगता है BS ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर है वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये CRR है, और कैश का लेजर डेबिट हो रहा है तो हमारा डेबिट हो रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट रूप से पता लग रहा है। लेकिन सिंगल ट्रांजेक्शन में इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको केवल अकाउंट को ही सिलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं भी जिसकी प्रैक्टिस मतलब डेबिट मतलब डबल मोड ट्रांजेक्शन में होती है, वो उसको सिंगल मोड में ट्रांजेक्शन की एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है। और अगर हम बात करें जर्नल वाउचर की, तो जर्नल वाउचर में ये ऑप्शन बंद रहता है। तो आप देख सकते हो जर्नल वाउचर हमने सेलेक्ट किया और ये चेंज मोड का ऑप्शन है जो हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि जर्नल एंट्री केवल आपको डबल मोड में ही करनी पड़ती है, इसका सिंगल मोड का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये तो था हमारा पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर को। अब हम बात करते हैं परचेज और सेल वाउचर को। तो दोस्तों हम सेल वाउचर, तो अक्सर आपने देखा होगा जो सेल वाउचर हमारे पास होता है वो इसी टाइप से ओपन होता है। अब सेल वाउचर, अब सेल हम दो तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप इन्वेंट्री सेल करते हो, अगर आपका कोई सर्विस का बिजनेस है तो उस दौरान हम सर्विस को सेल करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो सबसे पहले हमारी वाउचर सेल आ गया, वाउचर नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, और उसके बाद में जिस कस्टमर को हमने यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है या कोई सर्विस हमने सेल करी है या फिर हमने कोई प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो उस दौरान हमें कस्टमर के लेजर को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर पर्टिकुलर्स का। अब मान लीजिए आपने कोई स्टॉक आइटम आपने सेल करी है, लेकिन यहाँ पर हमारा नाम आना चाहिए नेम ऑफ आइटम का। तो अब आपको चेंज मोड पे क्लिक करना पड़ेगा और उस दौरान अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आइटम इनवॉइस को। हम आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम आ चुका है। अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो, आपने कोई स्टॉक यानी कि कोई इन्वेंट्री आप सेल नहीं कर रहे हो, तो उस दौरान आपको चेंज मोड पर क्लिक करना होगा और आपको अकाउंटिंग इनवॉइस पर जाना होगा। अब अकाउंटिंग इनवॉइस के दौरान अब आपके पास यहाँ पर उस लेजर को सेलेक्ट करना होगा जो लेजर आपने अंडर सर्विस के क्रिएट किया होगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टॉक आइटम है जो बंद हो चुका है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एज ए वाउचर। अब एज ए वाउचर पर हम क्लिक करते हैं तो एज ए वाउचर के रूप में, जैसा कि अभी अपने पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में जो ऑप्शन हमने देखा था, एक डेबिट का ऑप्शन और एक क्रेडिट का ऑप्शन, तो एक तरीके का ये जैसा हमारे पास जर्नल वाउचर के रूप में होता है, उस टाइप के ट्रांजेक्शन हम सेल वाउचर में भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने BS ट्रेडिंग कंपनी को 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट सेल किया, और उसके बाद चाहे आप इसको ऑन अकाउंट रख सकते हैं
और उसके बाद में क्रेडिट, अब आपको यहाँ पर सेल का लेजर रखना पड़ेगा। सिंपल एंट्री, जैसा कि हम नॉर्मल हमारी बुक्स में एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री जो हम बनाते हैं, उस टाइप के ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। तो इस दौरान आपका मतलब नुकसान क्या हो सकता है भी, उस दौरान आपका जो GST वगैरह की जो अमाउंट है वो अब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होती, वो आपको कैलकुलेट यहाँ पर करानी पड़ेगी। मैनुअल रूप से आपको SGST CGST की जो लेजर है वो लिखने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक टैक्स की कैलकुलेशन इस मोड में नहीं होती है। तो सेम ऑप्शन आपको F9 जब हम करेंगे, परचेज वाउचर पे जाएंगे, तो परचेज वाउचर के दौरान भी हम तीनों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है तो आइटम इनवॉइस हम सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने कोई सर्विस कोई परचेज़ करी है तो उस दौरान हम अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर हम एज ए वाउचर को करेंगे तो सिंपल एंट्री हम जनरल वाउचर की तरह डेबिट और क्रेडिट लेजर को ही सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अंदर न तो कोई हमारा सर्विस का लेजर सेलेक्ट होना है, या पे कोई प्रोडक्ट का कोई स्टॉक आइटम जो इन्वेंट्री हम बनाते हैं वो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, केवल और केवल लेजर को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सेम प्रॉब्लम वही रहेगी, इसके दौरान हमारा जो GST के जो लेजर हैं, SGST टैक्स के, CGST टैक्स के, या फिर IGST टैक्स, वो हम ऑटोमेटिक मतलब कैलकुलेट इस मोड पर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर की। तो इसके लिए हम शॉर्टकट Alt F5 और Alt F6 को भी हम यूज़ कर सकते हैं, इनकी दो शॉर्टकट कमांड है। कोई भी ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए हमने डेबिट नोट को सिलेक्ट किया, तो डेबिट नोट भी अब आपके सामने जैसा कि हमारे पास सेल और परचेज का इनवॉइस ओपन होता है उसी टाइप से इनवॉइस होता है। तो अब डेबिट नोट के अंदर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आइटम इनवॉइस। तो दोस्तों जैसे कि डेबिट नोट का अक्सर यूज हम कम करते हैं जब परचेज रिटर्न हमें करनी हो, तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट है अपने कंपनी को वापस आपने किए हैं तो उस दौरान हम आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट करते हैं। अब आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करने से होता क्या है, आपको यहाँ पर उस कंपनी का नाम और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आप डाल सकते हो जो प्रोडक्ट आपने कंपनी को रिटर्न किए हैं। तो जैसा कि आप हमारे पास ये है, जैसा कि ये क्रेडिट नोट है और हमारे लिए डेबिट नोट बन चुका है, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन हमारे पास अगर प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, रेट सब कुछ है हमारे पास है, तो उस दौरान हम इसको आइटम इनवॉइस के डेबिट नोट में रखेंगे। अब मान लीजिए अब आपने कोई प्रोडक्ट वापस नहीं किया, आपने अपने कस्टमर को कोई प्राइस डिफरेंस का अगर आपने कोई डेबिट नोट इशू करना है तो उस दौरान हम चेंज मोड पर जाएंगे और इसको हम करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अब अकाउंटिंग इनवॉइस के दौरान क्या होगा, मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, एक हम क्रिएट करके देखते हैं, जैसा कि हमारे पास एक कस्टमर है राजकुमार, और राजकुमार को कस्टमर को हमने कोई प्रोडक्ट है वो पहले कम रेट में सेल कर दी हो, प्रोडक्ट उतनी है लेकिन प्राइस हमने कम लिया था, अब डिफरेंस प्राइस उसके खाते में और डेबिट करना है तो हम प्राइस डिफरेंस का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। और सिंपल मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ कम लिए थे टैक्सेबल अमाउंट, उसके दौरान CGST टैक्स और इस दौरान SGST टैक्स, तो आप देख सकते हो 12% का प्रोडक्ट था, 100 रुपये के ऊपर ये 12% का टैक्स लग गया, 12 रुपये का, 6 रुपये CGST और 6 रुपये SGST के रूप में। तो ये इसके दौरान अब क्या होगा, आपके इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वेंट्री को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, इन्वेंट्री आपकी ऑलरेडी जा चुकी है लेकिन आपने प्राइस है जो कम लिया हुआ था उसका डिफरेंस हम पूरा कर सकते हैं। या फिर अब अगर आपके पास में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर आपके पास इस तरीके से आया हुआ है तो इसके ट्रांजैक्शन हम डेबिट नोट में कर सकते हैं, या इसके दौरान अगर आपके पास कोई सिंपल क्रेडिट नोट आया हुआ है तो इसकी अगर हमें एंट्री करनी पड़े तो हम इसकी एंट्री को एज ए वाउचर के रूप में भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सिंपल एंट्री हो जाएगी इस टाइप से, यानी कि जो ट्रांजैक्शन थी हमारी वो अब इस मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस मोड का कन्वर्ट करने में हमारा जो नुकसान है वो यही है भी जो टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो हमें यहाँ पर मैनुअल रूप से डालनी पड़ती है, सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे इस मोड में कुछ भी नहीं लेगा। जैसा कि जर्नल वाउचर में हम डेबिट करते हैं फिर क्रेडिट करते हैं, तो सेम ट्रांजैक्शन इसी टाइप के हम एज वाउचर में कर सकते हैं। और उसके बाद में ऑप्शन जो हमारे पास दिखाई देता है हमें चेंज मोड में, यूज़ इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो दोस्तों यूज़ फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर है, आपने कस्टमर से जितना इंटरेस्ट लेना है वो इंटरेस्ट की अमाउंट उस कस्टमर के खाते में ऑटोमेटिक डेबिट हो जानी चाहिए, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग।
तो दोस्तों इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इंटरेस्ट को एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है, कस्टमर पे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरीके से जाता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट लेना है, कौन सी ड्यू डेट के बाद लेना है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी है और मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और इसमें हम इस ऑप्शन का यूज किस तरीके से किया जाएगा इसके लिए भी हम उसी वीडियो के दौरान हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।